कल ग्राम सभा हुई थी या नहीं इसका स्पष्ट किया है। कंपनी बाहरी लोग को ला करके, जैसे हरली हो गया, पोटंगा हो गया, बादम हो गया, जहाँ का ग्रामीण एक जरा सा प्रभावित नहीं है। ज्यादा पोटगा लोग, लुर्गा लथिया लोग लाया था बेलोरो से ला करके, उन लोग को चार दिन पहले रखकर अडानी अपना प्रोजेक्ट ऑफिस में रख करके उन लोग को चार दिन से खाना दाना खिला करके अचानक उतारे गया है, वहाँ लेकर के बेलोरो से प्रशासन के साथ उतारा गया है। या ग्राम सभा जो बता रहा है अपने आपको अडानी की ग्राम सभा, आप लोगों से क्या है, फर्जी है या क्या है? पूरा ग्रामीण के जनता के रूप से फर्जी किया है, फर्जी करने का इसका रिकॉर्ड है। इसके पूर्व में भी फर्जी ग्राम सभा करके विधानसभा में पेश किया था। फूट डालो, शासन डालो, अडानी का नियम है कि पहले कहता कि उसको लोभ दो, नहीं लोभ देता है तो उसको फूट डालो, शासन करो, उसके बाद उसको धमकी दो, केस करो, मुकदमा करो, और नहीं तो उसको उठाने का भी प्रयास करता है। गोंदलपुरा के ऊपर आरोप लग रहा है कि आप लोग ने ही वहाँ पे दंगा फंसाने की कोशिश की और मारपीट का आरोप लग रहा है आप लोग के ऊपर। उसका जो आदमी रहता है हर समय हर वक्त उसको लड़ाने का ही काम करता है, जाकर के बीच में प्रशासन में दिया आवेदन दिया, आज तक हम लोग को कोई सुना नहीं प्रशासन के विभाग को, नहीं हम लोग सब परमा डीसी एसपी या फिर थाना प्रभारी को दिया, आज तक कोई नहीं हम लोग को मारपीट हुआ, कोई नहीं आज तक प्रशासन। हाँ, कंपनी अभी कहेगा तो अभी हम लोग को 10 लोग उठा कर ले जाएगा। कंपनी का हिसाब से प्रशासन ही उसका नाप तोल कर रही है। हम लोग सारा कंपनी, जितना अडानी हो, जेएसडब्ल्यू हो, एनटीपीसी हो, सबका खिलाफ हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सबका खिलाफ हम लोग विभागीय में भी लिखी दे रहे हैं। संविधान को तख्ता में रख करके फर्जी ग्राम सभा कर किया रहा है। हम लोग जिस तरह मेघालय मिजोरम में काम होता है उस तरह करके हम लोग को कोऑपरेटिव सोसाइटी के मार्फत से हम लोग सरकार को कोयला हम लोग देंगे। स्पॉन्सर्ड बाय जेमिनी सर्कस। कर्णपुरा बचाव संघर्ष समिति की ओर से प्रेस वार्ता रखी गई है। देश के सबसे बड़ा अमीर आदमी अडानी, जो हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड गोंदलपुरा पंचायत के कोल आवंटन किया गया है, आवंटन दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से। 2 तारीख को दुर्ग महोगा पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। 2024 को आयोजन के ग्राम सभा का आयोजन किया था आरएन कॉलोनी का, जो हम लोग ग्राम सभा में भारी विरोध, महोगाय पंचायत में रखा गया था ग्राम सभा, और ग्राम सभा महोगाय पंचायत में न रख करके यहाँ के प्रशासनिक जो है रोड में ग्राम सभा करवाने का जो काम कर किए हैं, ये सरासर संवैधानिक जो संविधान का हक अधिकार जो है ये हनन किया जा रहा है। अडानी कंपनी द्वारा बाहरी तत्व के लोग, ग्राम से बाहर के लोग, जो थाना के बगल में, राज बंगला के बगल में गुंडा पाल करके, खुलेआम उसको कहा जाता है, गुंडा पाल करके जो ग्राम सभा में आम ग्राम जनों का आवाज़ को गुंडे के द्वारा दबाया जा रहा है, जो अडानी कंपनी द्वारा थाना के बगल में गुंडा पाला हुआ है, जो चार दिन से उन लोगों को पोस पाल कर रखा करके, और कंपनी प्रशासन के साथ जा करके और ग्राम सभा में उतार करके वहाँ की जो सामाजिक असतत्व को, जो वहाँ को, जो ग्रामीण को आवाज़ को जो उठाने का, जो ग्राम सभा में जो स्वतंत्र रूप से ग्रामीण अपना आवाज़ को रखता कि हमको ज़मीन देना है या नहीं देना है, उस आवाज़ को अडानी कंपनी के जो कहिएगा दलाल, उसको हम लोग बोलते हैं, वो दलाल लोग जा करके वहाँ भंगन किया, और हम लोग को संविधान में जो अधिकार होता है, अधिकार जो ग्राम सभा में 80% या 20% का जो दिया जाता है, वो उस लोग बोद्रेशन करके और हम लोग को आवाज़ को रोक दिया गया। जितना भी अखबार हैं, लोकल अखबार हैं या फिर दिल अखबार है, जो देश का चौथा स्तंभ है, इस आवाज़ को जो उठाने का काम, जन जन का आवाज़ को उठाने के, हम लोग को जो जेन्युइन है, अखबार वाले मीडिया वाले बंधुओं से मेरा निवेदन है कि जो देखते हैं, जो हम लोग साथ हुआ, घटित हुआ, वो अखबार में छापिए, या ऊपर का अधिकारी जो संपादक है उन लोग से भी मेरा भी निवेदन होगा कि जो अखबार में जो जनता का आवाज़ है, हम नहीं कहते मेरा ही फेवर में लिखिए या मेरा ही फेवर ले, जो जनता का आवाज़ हो जेन्युइन को छापने का काम कीजिए, जनता को आवाज़ को दबाइए। नहीं, आप लोग लिखते हैं कि अखबार नहीं आंदोलन है, तो ये आंदोलन को, जनता को आवाज़ को रखिए, जो जनता का आवाज़ है। विरोध हम लोग 2004 से प्रत्येक कंपनी का विरोध कर रहे हैं, वहाँ बहुफसलीय ज़मीन है और वहाँ का 99% जनता, 100% जनता किसी पर, कृषि पर आश्रित है, वहाँ बहुत से जीव जंतु प्राणी हैं, बहुत से नदी हैं,
नाले हैं, पेड़ पौधे हैं, मतलब बहुत तरह से औषधीय पौधे भी हैं जिसे वहाँ का जनता जीवित है। इस बात को जो अडानी कंपनी द्वारा दबा दिया जाता है, ये मीडिया वाला बंधु से हम निवेदन करेंगे कि जनता को हक को जाकर देखिए, समझिए और उसको अथी कीजिए। कल 2 तारीख को ग्राम सभा जो प्रस्तुत कर रखा गया था महोगा पंचायत में, लोक सुनवाई रखा गया था जो महोगा पंचायत का पंचायत भवन में आहुति की गई थी, उस प्रभावित गांव के जनता ने विरोध पूरी सहमति के साथ तटस्थता के साथ उक्त स्थल पर डटे रहे, जिसके कारण उक्त स्थल पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कंपनी के पदाधिकारी नहीं पहुंच पाए। इसके बावजूद भी आज की दैनिक अखबार में प्रभात खबर हो या जितना भी प्रभात खबरें हो, खबर में छपी है कि लोक सुनवाई संपन्न हुई, जो यह झूठा है। झूठा ही नहीं, जनता का विरोध भी है, वहाँ का जनता गुस्सा में है। अगर यह समाचार सत्य है तो प्रशासनिक पदाधिकारी, जन विरोधी या कंपनी के हित के काम करने वाले जो आरोप लगाती है वह सत्य साबित होती है। हम सब प्रभावित गांव के लोग, प्रशासन पदाधिकारियों इस कार्य के खिलाफ और आगे भी रास्ता देखेंगे। साथियों, भारत के सरकार के LAR एक्ट 2013 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि कोई भी परियोजना प्रभावित गांव के 80% जनता की स्वीकृति के बाद ही मानी जाती है, जबकि अडानी इस परियोजना में कोई आम सभा, ग्राम सभा या किसी तरह का जन सुनवाई हेतु आज तक नहीं हो पाई है। इसके अतिरिक्त भारत के संविधान 48 धारा 48 का में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि केंद्र या राज्य सरकार वन्य एवं वन्य जीवों जीव जंतुओं का संरक्षण करें, क्योंकि इस परियोजना से वन और वन्य जीवों संरक्षित रहेंगे अथवा उनके ऊपर खतरा मंडराएगा। वर्तमान समय में इस क्षेत्र में हो रही है खनन परियोजना के कुप्रभाव से हाथी का उत्पाद आप सब देख ही रहे हैं। यही नहीं, बड़का गांव के हजारीबाग तक जाने में दो पहिया वाहन के कितनी धूल लोग खा रहे हैं, उसके आप भी गवाही हैं। पर्यावरण, संविधान के विभिन्न धाराओं एवं प्रभावित गांवों की जनता का भविष्य में होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखकर हम सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अडानी यह परियोजना देश के हित में नहीं, ना ही पर्यावरण के हित में है, ना ही किसी परियोजना के प्रभावित गांवों के जनहित में है। हाँ, इस परियोजना अडानी उनकी कंपनी की अघोषणा रूप से धन लगाने वाली नेता अवश्य लाभ ले रहे हैं। अब निर्णय इस क्षेत्र के करना है कि अडानी हित है या जनहित है। कल ग्राम सभा हुई थी या नहीं, इसका स्पष्ट किया है। कल ग्राम सभा में जनता में 5,700 जनता एक तरफा थी और एक तरफ विरोध प्रसाद हो रहा था, दूसरी तरफ अडानी द्वारा कुछ चुनिंदा लोग जो गांव के नहीं थे, उस ग्राम के नहीं थे, कुछ लोग 1-2% थे जो गांव का दलाल तब तक था, वो अडानी अपना ब्रोकर को रख करके और ग्राम सभा में विरोध दर आप पर तक था। ग्राम सभा हम लोग नहीं होने दिए, ग्राम सभा का पूरा विरोध किए हैं, पूरा ग्रामीण पूरा विरोध किए हैं। लेकिन कंपनी का साथ देने वाले कितने ग्रामीण होंगे आपके अनुसार? दो चार को ग्राम में है, जो ग्राम में जो उसको कहिए कि तलवा चाटने वाले लोग हैं, वही लोग 2-4 को हैं, 2-4%। यदि ग्रामीण बाहर कंपनी बाहरी लोग को ला करके, जैसे हरली हो गया, पोटंगा हो गया, बादम हो गया, जहाँ का ग्रामीण एक जरा सा प्रभावित नहीं है, ज़्यादा पोटगा के लोग, लुरगा लठिया के लोग लाया था बेलोरो से ला करके, उन लोग को 4 दिन पहले रखकर अडानी अपना प्रोजेक्ट ऑफिस में रख करके उन लोग को 4 दिन से खाना दाना खिला करके अचानक उतारे गया है, वहाँ लेकर के बेलोरो से प्रशासन के साथ उतारा गया है जहाँ ग्राम सभा होने था, और उन्हीं लोगों ने हम लोग के साथ अभद्र व्यवहार करके और ग्राम सभा को भंग किया, अपना बात रखने के लिए इनकार किया गया। क्या मोहगाई कला गोंदलपुरा कोल खनन परियोजना में आता है, जिस जहां पे जो ग्राम सभा रखी गई थी वो उस प्रभावित गांव में आता है? और अगर गोंदलपुरा कोल परियोजना में मोहगाई कला नहीं आता है, ये ग्राम सभा जहां का प्रभावित गांव है वहां रखना चाहिए, लेकिन प्रशासन के लोग या अडानी का लोग जहां ज़्यादा दलाल तब तक के लोग रखता है ताकि उसका चक्की चले,
अपना रोटी सेके वैसी जगह पर रखा गया था। तो नोटिस तो आपको पहले मिला होगा, तो आपने क्यों नहीं विरोध किया? मोहगांव कला जब विस्थापित क्षेत्र में आता ही नहीं है, तो आप यहाँ पे ग्राम सभा क्यों करा रहे हैं? तो इसका विरोध आपने पहले क्यों नहीं किया? हम लोग लिखित रूप से जितना पदाधिकारी हैं, जितना DC हो, आयुक्त हो, कमिश्नर हो, सबको हम लोग लिखित रूप से विरोध कर हम लोग कॉपी दिए, उसका हम लोग को प्रमाण है। इस ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, जो ग्राम सभा जो ग्राम सभा की है उसके बाद यह ग्राम सभा जो बता रहा है अपने आपको आगामी की ग्राम सभा हुई है, आप लोग अनुसार से क्या है, फर्जी है या क्या सही है? हम लोग करूर्जा पूरा ग्रामीण के जनता के अनुसार फर्जी किया है ग्राम सभा, और ये फर्जी करने का इसका रिकॉर्ड है। इसके पूर्व में भी फर्जी ग्राम सभा करके विधानसभा में पेश किया था। अब आगे का आप लोग ग्रामीण का जो अडानी कंपनी के खिलाफ क्या स्टैंड होगा? हम लोग अडानी कंपनी के जिस तरह हम लोग संघर्ष जारी है, अडानी का 1 इंच जमीन नहीं देगा हम लोग पूर्ण तरह से कंपनी का, हम लोग को कंपनी नहीं चाहिए। हम लोग इसका विरोध करते हैं, विरोध करते रहेंगे। सरकार को यदि कोयला चाहिए तो हम लोग कोयला देंगे, ग्राम सभा का नियुक्ति करें, ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग उसको कोयला देंगे, सरकार को जरूरी है तो। कुछ लोगों का कहना है कि आपके ही गाँव के कुछ युवक हो या ग्रामीण हो जो अडानी कंपनी से मिले हुए हैं और उनको कुछ कुछ लाभ भी वहाँ से दिया जाता है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, वो अपना कुत्ता पाल के रखा हुआ है जो गांव में हर समय दंगा फैलाने का काम कर रहा है। फूट डालो, शासन डालो, अडानी का नियम है कि पहले कहता कि उसको लोभ दो, नहीं लोभ देता है तो उसको फूट डालो, शासन करो, उसके बाद उसको धमकी दो, केस करो, मुकदमा करो, और नहीं तो उसको उठाने का भी प्रयास करता है। और इस ग्राम सभा में गोंदलपुरा के ऊपर आरोप लग रहा है कि आप लोग ने ही वहाँ पे दंगा फंसाने की कोशिश की और मारपीट का आरोप लग रहा है आप लोग के ऊपर। देखिए, हम लोग प्रत्येक बात शांतिपूर्ण आंदोलन किए हैं और शांतिपूर्ण में गांधी तरीका से आंदोलन किए हैं, इसमें कोई दुमत का बात नहीं है। लेकिन उसका जो आदमी रहता है हर समय हर वक्त, तो उसको लड़ाने का ही काम करता है जा करके बीच में। कल ही का ग्राम सभा हुआ तो जा करके बेलरो से लेकर के दूसरा गाँव का हरली का हम नाम धर देंगे, पप्पू जो है, शिवदयाल मातो है, जो हरली ग्राम में नहीं आते हैं, कोलेसर गंजू हैं जो हरली ग्राम में नहीं आते हैं, चोरा टोंगरी का हैं, ऐसी लोग जा करके और वैसे लोग जा करके वहां जाकर दंगा फैलाने का काम करते हैं। तो इसका आपने कहीं पे लिखित अभी तक आवेदन दिया है कि इस तरह के लोग आप हमारे ग्राम सभा में आते हैं? हम लोग देखिए, हम लोग प्रशासन के पास जाते हैं, इससे पहले बहुत हम लोग प्रशासन में दिया, आवेदन दिया, आज तक हम लोग को कोई सुना नहीं। प्रशासन के विभाग को नहीं, हम लोग सब प्रमाण DC SP या फिर थाना प्रभारी को दिया, आज तक कोई नहीं। हम लोग को मारपीट हुआ, कोई नहीं आज तक प्रशासन। हाँ, कंपनी अभी कहेगा तो अभी हम लोग को 10 गो को उठा कर ले जाएगा। कंपनी का हिसाब से प्रशासन ही उसका नाप तोल कर रही है। झूठा मुकदमा करे 200, 300, 400, 500 आदमी पर क्रम, अपना संविधान में अपना हक अधिकार आंदोलन करने का हक अधिकार है या नहीं, आप मीडिया बंद हो हम भी पूछते हैं। ये एक सवाल है कि आप लोग सिर्फ अडानी कंपनी के खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या जितनी भी कोल खान परियोजनाएं हैं उस क्षेत्र में सबके खिलाफ ये विरोध है आपका? हम लोग सारा कंपनी, जितना अडानी हो, JSW हो, NTPC हो, सबका खिलाफ हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबका खिलाफ हम लोग विभागीय में भी लिखित दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि अडानी खुलने से हम लोग को धूल गर्दा खाएंगे, सारा कंपनी खुलने से हम लोग को जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक पेड़ पौधा है, नदी नाला है, जो दामोदर का उद्गम स्थल है, वो देखने का चीज़ है, 12 मास नदी में पानी रहता है, वो सारा नष्ट होगा। एक अडानी नहीं, सारा कंपनी से हम लोग को नष्ट होगा, इससे सारा कंपनी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप ऐसे विधानसभा में हैं जहाँ पे हजारीबाग लोकसभा BJP का है और विधानसभा कांग्रेस का है, तो एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हम अडानी को कभी जमीन नहीं देंगे, तो इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? और BJP कहती है कि हम देश के विकास के लिए कोयला खनन खोलना जरूरी है, तो आप ऐसे विधानसभा और लोकसभा में हैं जहाँ पे लोकसभा में BJP का कब्जा है और विधानसभा में कांग्रेस का कब्जा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केंद्र का काम है आवंटन करना और राज्य का भूमि अधिग्रहण करना, तो दोनों जो कहिएगा, यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आवंटन तो कर दिया है, लेकिन संविधान में लिखा हुआ है कि जब तक ग्राम सभा में 80% सहमत नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन हम लोग को संविधान को तख्ता में रख करके फर्जी ग्राम सभा कर किया रहा है। हम लोग केंद्र सरकार से भी निवेदन करते हैं कि हम लोग ग्राम सभा नहीं चाहते गोंदपुरा कंपनी खोलना, और राज्य सरकार से भी हम लोग कहते हैं कि हम लोग पूरा विरोध करते हैं, हम लोग जमीन नहीं देंगे, बहुफसलिया जमीन है। कोयले को सरकार
निकालेगी तो किस स्तर? जमीन के अंदर कोयला ही बिल्कुल मानते हैं, देश को चाहिए, लेकिन एक निजी कंपनी पूंजीपति कंपनी अडानी के लिए वो ग्राम सभा को सौंपे, ग्राम सभा जिस तरह करके जमीन का हम लोग रॉयल्टी देते हैं, उस तरह के सरकार को सरकार चलाने के लिए हम लोग रॉयल्टी देंगे, सरकार को लेकर हम लोग कोयला देंगे ग्राम सभा ही मार्फत से, जिस तरह मेघालय और मिजोरम में काम होता है उस तरह करके हम लोग को कोऑपरेटिव सोसाइटी के मार्फत से हम लोग सरकार को कोयला हम लोग देंगे। कोऑपरेटिव के माध्यम से अगर कोयला खनन होता है तो आप लोग समर्थन? समर्थन हम लोग करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मार्फत होगा तो हम लोग उसका समर्थन करते हैं। विशेष कोई कंपनी अगर करता है दूसरा समर्थन नहीं करते हैं, सरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी के मार्फत से हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के दिए और वो अपना जनप्रतिनिधि नियुक्ति करे, वो टैक्स लिए हम लोग सरकार चलने जो टैक्स हम लोग टैक्स देंगे कॉर्पोरेट सोसाइटी के माध्यम से हम लोग अपना जमीन कैसे बचाएंगे, अपना जमीन भी बचाएंगे, सरकार को कोयला ऊर्जा के लिए जो जरूरी है उसके लिए हम लोग देंगे भी। आपका परिचय, आप लोग अपना परिचय भी बता दीजिए। मेरा नाम विनय कुमार मेहता, कर्णपुरा बचाओ संघर्ष समिति अध्यक्ष, सर गोंदलपुरा समाज सेवी। आज जो मीडिया का देश का चौथा स्तंभ उपस्थित हुए मीडिया का बंधुओं प्रेस वार्ता में, इस मीडिया बंधुओं को मैं कोटि दिल से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जो जनता का आवाज को पहुंचाने का काम करेंगे। स्पॉन्सर्ड बाय जेमिनी सर्कस।